नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं। और जैसा कि पता आपको, अब मेरे चलने की तैयारियां हैं। ये सब आगे थे सुबह, तो ये अब रहेगी यहाँ पे इंदू, और मैं जाऊंगी। जितने दिन भी ये रहेगी ये रह लेगी, और मैं जाऊंगी अपने गांव, मतलब कि अपने ससुराल। क्योंकि देखो, यहाँ आई तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और मैं हमेशा दोनों जगह ही आके जाती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी का हो जाता है कि भाई कई बार ऐसा हो जाए वहाँ पे जाके चले जाओ, वहाँ पे आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है यहाँ पे भी, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि दोनों जगह जाएँ। और हमारा हक भी बनता है अपने दोनों जगह जाने का। और अब हिंदू जितने दिन रहेगी ये रहेगी यहाँ पे, मैं जाऊंगी जब तक गांव में रहूंगी। फिर हमारा जाने की जो वापसी है, लगभग दोनों की इकट्ठी जाएंगे हैं। तो अभी गुड्डू के पापा इसे यहाँ छोड़ दी उन्होंने, मुझे गांव में छोड़ के फिर ये चले जाएंगे। बाद में जितने दिन भी हमारा रहेगा जाने का, उसके बाद हम दोनों बहने वापिस जाएंगे। अपना भी हमारा काम खैर छूट रहा है घर का, और वहाँ पे तो भैया ही है नीरज, बस बाद में इसके पापा भी चले जाएंगे। तो बस ये है कि चलो अभी छुट्टी है, जैसा कैसा एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ का हमारा छुट्टियों का काम हो जाएगा। बच्चों की छुट्टियाँ भी निकल जाएगी, और थोड़ी सी हमारा काम का जो ओवरलोड है। छुट्टियाँ वैसे ज़्यादातर जब सर्दियों में आए थे तब भी, अब गांव में नहीं आई। लेकिन हमारा ये है कि हम दोनों जगह जाते हैं हम। तो मैं ये कह रही थी कि हम जाएंगे दोनों, मतलब दोनों एक साथ ही वापस जाएंगे। अब जब तक मैं, अब मेरी जो जिम्मेदारी थी वो यहाँ की ख़त्म होगी। अब इंदू सारी जिम्मेदारी निभाएगी, और मुझे विश्वास है वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से करेगी सारा काम, क्योंकि एक्सपर्ट तो वो है ही। आपको पता ही, हूँ तो मैं भी, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, बता रही लेकिन सारा, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए, और फिर मम्मी के ऊपर आपको पता ही है ओवरलोड हो जाता है काम का, और इतना नहीं हो पाता मम्मी और पापा जी से। फिर मुझे लग रहा है इंदू जब तक रहेगी, फिर भाई भी आ जाएगा, छोटू आ जाएगा ना, तो फिर वो रहेगा जितने दिन भी, वो अपना वर्क फ्रॉम होम ले लेगा। तो जब और काम वो देखेगा, जब तक हमारी छुट्टी तो हम दोनों बहने मिलकर करेंगे। और देखो करना ही है, ऐसा नहीं है कि भाई काम भी नहीं चलता छोड़ के भी। जितनी हमारी, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जितनी हम हेल्प कर सके। अभी बच्चों की छुट्टी है इस वजह से, और आपको पता ही है 15 दिन से मैंने गुड्डू को छोड़ा हुआ, गुड्डू वहाँ रह रही। हालांकि वहाँ इंदू थी, इसके पापा थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। रहते भी नहीं, फिर गुड्डू ने भी कह दिया मम्मी कोई बात नहीं मैं रह लूँगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता है कि बच्चा छोटा हुआ तो थोड़ा सा वो था। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे आदत डाल लेंगे ऐसे ही। तो अब बस इंदू ने अपना किया जमा लिया यहाँ से, बैग वगैरह उसने रख लिए अपने, अब मैं अपने उठा लूँ। अब जो सामान इसने रख, मैं उठाऊंगी और ये अपना रखेगी, क्योंकि अब ये यहाँ पर रहेगी। चल तू जानी बानी, इतना सारी जिम्मेदारी बढ़िया रखती है मम्मी और पापा जी का, सबसे बेस्ट यही है। बस मम्मी का ही है, धुएं का और गर्मी का है, तो ऊपर दरिया ही आ रहे हैं। मैं तो दरिया हूँ, आज तो मैं ले आई था क्या जमा दिए। तो अब मैं करती हूँ अपनी पैकिंग फटाफट से, और बस फिर चलने की तैयारी। गुड्डू के पापा कन्हैया और गुड्डू तीनों ही परेशान हो रहे, चलो चलो चलो, क्योंकि ना आके यहाँ ज़्यादा गर्मी लग रही तीनों को ही, हमें तो आदत हो रही। अरे इंदू को पता तुझे रहना वहाँ, क्या करनी चलने का काम, लेकिन जिसे यहाँ तक जाना उसे लोग हो जा। अब चलो चलो, तो अभी न जाना, तो चल रहे जी, मैं कर लेती हूँ पैकिंग। यहाँ पे देखिए पैकिंग मेरी हो गई है, और बस अब बैग रखते हैं गाड़ी में, और सारे हो गए। ये ईशू का बैग है, वो मेरा बैग है, ईशू तो यही लाइट ही थी मेरा पैक है। अभी तो मैंने अपने में ही रख लिया, बाद में रख लूँगी जैसा भी, पर वो भी जाएगी हमारे साथ।
गुड्डू, रूही और ईशु, यहाँ पे पीहू और कृष्णा रहेंगे, है ना। तो अब हम बस मैं अभी तैयार हो लेती हूँ ना, तो ली मैंने कपड़े चेंज कर लिए, ये तो रख लिए, तेरी मम्मी ने रख दिए बस, फिर ईशु के पहन लेना। तो दो दिन बाद उरी मिलेगी बेटे, टेंशन ना ले। नहीं मिलती, दो दिन बाद क्यों मिलेगी, पहन लेगी तो हम लोग पहन लो, हैं। तो बस मैं भी हो जाती हूँ तैयार। तो जी बस है अब चलने की तैयारी और मैं आऊँगी तैयार। और अब मम्मी अपना ध्यान रखना, ऐसे ही ठीक रहना बिल्कुल, अब जैसा मेरे सामने रही है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, हैं। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, समय का खेद है, सब कोई बात नहीं, और काम बिगड़ा, छोटों की शादी करनी है तो इतना ठीक हो जा, छोटों की शादी में सब मजे करेंगे तो बीमार पड़ी रही है फिर। कोई तो कह रही मम्मी ज्यादातर जो बीमार रहती है वो एक तो अकेली रहती है, अकेले में टेंशन में ज्यादा है, अब जब से दिक्कत तो थी मैं आई वो ठीक है, तो अब ठीक रहेगी, दवाई भी लेनी अपनी टाइम पर, लेना भी आनी कल मुझे। तो जी बस चलते हैं अब, चल ठीक है, तो मम्मी का ध्यान रखिए, सारी बाग डोर बढ़िया से संभाल लिया, हर बात रेज रखना, दवाई खानी है, टेंशन नहीं लेनी, बस सबसे बड़ी टेंशन ही इसकी, मतलब लगा और रखू क्या ना कहना, भजन चलो जी चलते हैं अब, एक माँ के सब मिल के अब दूसरी माँ के पास जाना। चलो तो जी हम चल दिए हैं यहाँ से गांव के लिए, निकल चुके हैं रामपुर से, और यहाँ पे देखिए मैं हूँ, गुड्डू है, ईशु है और रूही है, चलो जा रहे हैं, और आगे ये दोनों भाई बैठे हैं, कन्हैया और इसके पापा, और बस अभी चले हैं, लगभग डेढ़ दो घंटे में हम पहुँच जाएंगे, डेढ़ घंटे का है वैसे तो, आगे अगर ट्रैफिक ना मिला तो, और अभी तो मौसम भी थोड़ा ठीक सा हो गया, मतलब 5:30 हो गए होंगे, है ना, 5:30 बज गए होंगे, तो देख 7 बजे से पहले ही हम पहुंच जाएंगे, 7 बजे तक लगभग। रोड अच्छी है इधर की, सबसे बड़ी बात यह है, रोड तो सब जगह की अच्छी है, पूरा हाईवे बना हुआ तो इतना टाइम नहीं लगता, और घर फोन कर दिया हमने, मे बी वेट ही कर रहे होंगे, ऐसा तो था हमारा सुबह जाने का, लेकिन सुबह बस अभी चल दिया है, क्योंकि सुबह गुड्डू के पापा को कुछ काम था, फिर जल्दी चलना पड़ता, मगर नहीं पापा जी भी कहने लगे कि सुबह से ठीक है, अब आराम तक चले जाओगे, सुबह जल्दी करोगे, तो इस वजह से फिर हम अभी चल दिए, और बस अब इंदु आई है, इंदु कृष्णा और पीयू तीनों हैं, और बस देखिए जी चल रहे हैं वहाँ जाके। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, रामपुर खाने पीने को मिला है पूरा, वहाँ सब तो मजे इनके लिए आए, ईशु रामपुर में सबसे ज्यादा मजे क्यों आए तेरे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीजें थी खाने के लिए। जो कहा वो ही ला दिया नाना जी ने, जो कहा वो ही ला दिया नाना जी ने, नाना जी ने क्या नाम रख दिया ईशु का, चटोरी चटोरी, क्यों या पाव खाती नहीं जो मैं क्या है, ऐसा लगे चाहिए फिर। चलो जी, तो फ्रेंड्स हम बस पहुंचने ही वाले हैं, ये देखे खेत आगे, और खेतों के आते ही पता लग जाता है कि हमारे गांव आने वाला बस, और बस लगभग एक किलोमीटर रह गया होगा, 1.5 किलोमीटर है, इधर वो जाओगे आज बन गया, अच्छा हाँ, गांव कितने किलोमीटर रह गया, बस 1 किलोमीटर के ही लगभग है, तो जल्दी आ गए अभी, ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि रोड आज बिल्कुल बढ़िया, रोज रोड तो बनी रही लेकिन ट्रैफिक भी नहीं मिला ज्यादा, तो जल्दी आ गए हम, और यहाँ देखे भट्टे की ईंट बनने लग रही बाहर, जो भट्टा होता है उसके लिए ईंट बनाई जाती है, ईंट पत्थी जाती है, मतलब बनाई जाती है, दिखाऊं आपको, ये देखो ईंट बन रही, ऐसा तो आजकल मशीनें बहुत हैं आ गई, लेकिन यहाँ पे फिर भी हाथ से ही बनती है ज़्यादातर ईंटे, जो लेबर से बनवाते हैं हाथों से ही, तो मैं फिर जो भट्टा होता है उसमें पकाते हैं, तो यहाँ इस वाले रास्ते पर तो हम पहली बार ही आए, पर एक यहाँ में कौन सा है ये, ये खेत वाला है, मेरी भेड़, अच्छा इस पर कुनिया माए क्या पता कहें,
और आज गुड्डू के पापा हमें लाए हैं नए रास्ते से और ये है तो इनका स्कूल। बार अंदर भी गई हुई मैं, इसमें वो डालन आई मैं तो यहाँ से। बागड़ गए थे जब आए थे, मासा जब आए थे यहीं पे ही छोड़ देते हैं ना, यहीं से ही लेकर गए। अभी भी पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ, और स्कूल चलता है। तो जी आ गया है गांव। हाँ जोड़ लो इस माड़ी। मम्मी चप्पल देना। जी हमारा घर ये है देता बाबा, जय देता बाबा। ये है मंदिर और ये रहा घर। नमस्ते चाचू। चलो मम्मा। नमस्ते चाचू। येलो येलो नमस्ते माँ जी। पियेंगे चाय। रुचि ने बना दी है चाय हमारे लिए और बच्चों के लेके गेम चल गया है। आते ही ये देखिए अपना कैरम बोर्ड बस रहने दे कोई भी। और बच्चे आते ही देखे लग गया है अपना, ये लेके आए अपना कैरम बोर्ड लूडो वगैरह और लग गए अपना खेलने के। और आरू भी लग गई उनके पास तो आ गया। वैसे तो ये बाहर खड़ी थी जब से हम आए, आई नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब खेल शुरू हुआ तो आ गई धीरे धीरे। दूसरे एंड से सीधे वाले से इसा इसे टॉक टॉक करो नहीं आ। ओ शिवांश क्या हाल है? क्या हाल है ठीक भी है हैं भाई? क्या हाल हो गया तू बता दे। शिवांश खेल ला तू भी? खेलता नहीं। नहीं करना पड़े आपको, सिखा दी गली आ गया।